तो कहानी शुरू करने से पहले वार्निंग, चेतावनी, ये फिल्म बहुत डेंजर है, इस फिल्म को देखते हुए आपकी कान फट सकती है, इसलिए अपने रिस्क पर देखना। और मैं यहाँ पर इस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़का और एक लड़की से, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ से, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये लोग एक बेबी प्लान कर रहे हैं। उसका माया चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, और थोड़ी ही देर बाद वो जेम्स को खुशखबरी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जेम्स इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक वाइन शॉप पर जाता है वाइन खरीदने के लिए, लेकिन वाइन शॉप पर बहुत सारे आस्तिक होते हैं जो नहीं चाहते कि लोग नशा करें। वो इसके साथ थोड़ा सा झगड़ते हैं, लेकिन जेम्स अपनी वाइन लेकर यहाँ से निकलने लगता है, और ये आस्तिक लोग इस पर गुस्सा करते हैं और इसका पीछा करते हैं, और पीछा करते करते वो जेम्स के घर में आकर उसको पीटने लगते हैं, बुरी तरह से सामान तोड़ने लगते हैं। माया नीचे शोर सुनती है और वो चाकू लेकर इन पर तान देती है, कहती है मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी, छोड़ो मेरे पति को। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से माया अपने पति को बचा दी है। ये दोनों डरे हुए सहमे हुए एक दूसरे को सहारा देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी तरफ का, जहाँ पर एक अजीब तरह का घर है और वहाँ पर एक बुढ़िया मरी हुई है, और कुछ लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और तभी वहाँ पर एक और बुढ़िया आती है जो रोती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और माया दोनों शहर से होते हुए बड़ी दूर जा रहे हैं, जहाँ पर ये अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे, और वो इसी बुढ़िया के पास आते हैं, और ये बुढ़िया इन दोनों को एक बहुत बड़ा घर देती है कि यहाँ पे तुम अपने बच्चे की डिलीवरी अच्छे से कर सकते हो, और एक बात, तुम्हें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक काम करना है, वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा टाइप का है उसे खोलो और वहाँ पर जोत जलाओ, और वहाँ पर एक छोटा मुनमुन है उसे दोस्ती करो, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ये कहती है क्या अजीब है छोटा सा वहाँ पे मुनमुन, ये कहती है तुम समझ जाओगी। उसके ये दोनों थकार के थोड़ा सा आराम करते हैं। मॉर्निंग होने के बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं, और निकलते हुए ये लोग रास्ते में एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एलोए, और वहाँ से होते हुए वो लोग शहर के अंदर आते हैं। शहर के अंदर एक बार होता है, बार की ओनर वही बुढ़िया होती है, और वो इनको वेलकम करती है, इनको ट्रीट दी जाती है कि हमारे शहर में आप लोगों का स्वागत है, और यहाँ पर सब लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आता है, वो माया को ताने मारता है, उसे गलत गलत बातें बोलता है, उसका बार ओनर इसको यहाँ से भगा देती है। उसके बाद भी ये बूढ़ा जाते हुए बहुत गालियाँ बकता है माया को, और तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा मुनमुन, और वो इस बंदे को जान से मार के उसको घसीट कर अपने साथ ले जाता है। उसका मॉर्निंग होती है, जेम्स और माया को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है, वो उठते हैं और देखते हैं कि इनके घर पर एक बंदा आया जिसका नाम है डैडी, और वो अपने साथ लाया है अपनी एक बेटी और एक अपने बेटे को। बेटे का नाम है जैक, बेटी का नाम है मैगी, और वो इनको कहता है कि मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आया हूँ, तो आप लोग मार्केट घुमाओ, मैं यहाँ पर सफाई कर देता हूँ। तो माया और जेम्स दोनों निकलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और उधर में दिखाया जाता है जैक जो कि बहुत हरामी है, माया की प्राइवेट चीजों को छू रहा है, उनके घर को गंदा कर रहा है। उसके लिए दोनों वापस आते हैं और देखते हैं कि जैक और मैगी दोनों सुट्टा मार रहे हैं फुल बिंदास होकर, वो पूरे नशे में है, और ये लोग माया और जेम्स के साथ बदतमीजी करते हैं। उसके माया और जेम्स ये बात डैडी को बताते हैं, उसके डैडी इन लोगों को डांटता है। इसी बीच में एलोए भी आ जाता है, एलोए भी डैडी का बेटा है, और यहाँ पर जैक जेम्स पर हमला करने वाला होता है, और तभी यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इसी बीच में डैडी को गुस्सा आता है, डैडी इन सबको पेल देता है, और एलोए को सबसे ज्यादा पेलता है, और एलोए एक जगह पर चला जाता है। उसका पीछा करते करते माया भी उसी दरवाजे को खोलते हुए पीछे पीछे चली जाती है। उसके माया को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है, वो आवाजों का पीछा करते हुए एक जगह से होते हुए जंगल के बीच में जाती है, और जंगल के बीच से होते हुए एक पुराने से कुएं के अंदर आ जाती है, और कुएं के अंदर उतरती है, और वो देखती है कि यहाँ पर जोत जला रखी है, और तभी वहां से बाहर निकलती है, और एलोए भी रोता हुआ उसे बीच में मिल जाता है। तो माया उसको समझाती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे डैडी है, गुस्सा होना उनका फर्ज है, कोई बात नहीं, वो समझाती है। इसी बीच में एलोए माया पर हमला करता है, उसको रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन माया किसी तरीके से उससे अपनी जान बचाकर घर पर भाग आती है, और वो बताती है कि क्या क्या हुआ अपने पति को, कि वहां पर एक छोटा सा मुनमुन है, उसने मेरी जान बचाई, एलोए मेरे को रेप करने वाला था, लेकिन इसका पति इस पर बिलीव नहीं करता, वो इसको डांटता है। और यहाँ पर मैगी और जैक दोनों अपने भाई का पता लगाते हुए जेम्स के पास आते हैं, और वो उसको टॉर्चर करते हैं कि बताओ हमारा भाई कहाँ पर है। तभी बार ओनर इनको गुस्सा करके इनको भगा देती है, और वो जेम्स को समझाती है तुम ठीक हो ना, और यहाँ पर माया वो सिचुएशन याद करती है जब इसको रेप कर रहा था, छोटे मुनमुन ने इसको मार दिया, और अपने घर में होती है। तभी यहाँ पर वो छोटा सा मुनमुन आता है एलोए का कटावा सर लेकर, उसको बोलता है कि ये आपका गिफ्ट है, जो भी आपको तंग करेगा, आपको गलत कहेगा, मैं उसको मार दूंगा। और उसके जाते हुए माया इसकी फोटोज खींच लेती है ताकि इसके पास सबूत रहे। तो उसके जाने के बाद वहाँ पर जेम्स आता है, और जेम्स को माया दिखाती है कि देखो एलोए का सर, और वो छोटे मुनमुन ने ही ये सब किया है, ये देखो मैंने इसकी फोटो खींची है, और ये उसको फोटो दिखाती है। और तभी घर के बाहर डैडी, मैगी और जैक ये तीनों आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए, और वो घर तोड़ते हुए घर को जलाते हुए इनको मारने की कोशिश करते हैं। और तभी हेल्प के लिए माया जंगल में चली जाती है, और जंगल में जाकर उसी कुएं के पास चिल्लाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, और मदद के बदले जो तुम चाहोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और यहाँ पर जेम्स को डैडी बुरी तरह से पीटता है, और तभी माया जंगल से वापस आती है, उसको बीच में ही मैगी पकड़ लेती है, और वो उसको पीटने लगती है।
होती है। वहां पर जैक जेम्स को पीटने लगता है, तभी ऊपर से मुनमुन आता है और वो जैक पर हमला करता है और ये दोनों मिलकर उस मुनमुन को मार देते हैं। और बाहर मैगी माया पर हमला करती है, तभी वहां पर बहुत सारे मुनमुन आ जाते हैं और वो मैगी को पीटने लगते हैं। और घर में भी बहुत सारे मुनमुन आ जाते हैं और जैक एक एक करके मुनमुन को मारने लगता है। उसका डैडी आता है अपनी कार के पास और अपनी बंदूक निकालता है और जैक को कहता है चलो गाड़ी स्टार्ट करो। और तभी जैक के पीछे से मुनमुन आकर उसके गले में चाकू घुमा के उसको मार देता है और डैडी कहता है कि बेटा उठो बेटा उठो, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता। और माया और जेम्स दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और तभी डैडी उठाता है बंदूक और लगाता है निशाना इन दोनों पर। माया कहती है प्लीज मेरे पति को मत मारो। और तभी एक मुनमुन डैडी के पैर को खींच लेता है, बंदूक नीचे गिर जाती है। माया उठाती है बंदूक और लगाती है निशाना इस कुत्ते पर और इसको शूट करके मार देती है। और ये दोनों किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं, रूम में आते हैं और रूम में ही माया एक लड़की को जन्म देती है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। उसका जेम्स निकलता है शहर के अंदर सामान लाने के लिए, कुछ दवाइयां लाने के लिए, और वो घर पर आता है और कहता है कि अब हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है। और वो घर की फिर से रिपेयरिंग करता है, थोड़ा सा खून साफ करता है। और तभी माया नोटिस करती है कि कोई हमारे बेबी को लेकर जा रहा है और वो अपने बच्चे की आवाज का पीछा करते हुए उसी कुएं के अंदर आ जाती है। और कुएं के अंदर बहुत सारे मुनमुन होते हैं और मुनमुन की एक राजकुमारी भी होती है और वो कहती है कि हमारी डील थी कि जो मैं मांगूंगी वो तुम हमें दोगी और मेरी डील यही है कि ये बेबी हमारे पास रहेगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जगह संभालने के लिए तुम्हारी बेटी सही है। लेकिन माया मना करती है, वो रिग्रेट करती है और रिग्रेट करते हुए वो इस बुढ़िया को जान से मार देती है। उसके बाद सभी जितने मुनमुन होते हैं वो माया के आगे झुकने लगते हैं क्योंकि वो उसको अपना गार्डियंस मान लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर अब कोई नहीं रहा। उसके बाद माया बहुत सारे मुनमुन को लेकर घर के पास आती है। स्केलेटन और एक खोपड़ी के अंदर खून हवा में उड़कर आता है जिसमें माया नहाती है, यानी कि इसका राज्य अभिषेक होता है मुनमुन की राजकुमारी का। और वो बहुत ही चिल्लाती है, जेम्स ये सब देखता है और वो बहुत ही चिल्लाता है और यहाँ पर माया बहुत खुश होती है, बहुत डेंजर लगती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक मियाँ बीबी की कहानी है, हमें दिखाया जाता है कि शहर में कितना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है और एक मियाँ बीबी को अपना बच्चा पालना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों की नजरों से बचाना। और तभी माया को कुछ मुनमुन मिलते हैं जो इसकी मदद करते हैं, लेकिन मदद के बदले में वो इसके बेबी को ही ले जाते हैं। ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।